शारदा वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। What's it like to be the one that he turns to when he's sad? ब्रोकली को मैंने ग्रेट कर लिया है और अब मैं इसमें मोजरेला चीज ऐड कर दूंगी। आपके पास जो भी चीज हो ऐड कर सकते हो। आपके पास अगर प्रोसेस चीज हो तो उसको भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हो। मेरे पास ये ग्रेटेड वाला मोजरेला चीज था तो मैंने यही ऐड कर दिया है। मैं बना रही हूँ ब्रोकली एंड चीज पराठा। बहुत ही मजे का बनता है, बच्चों को फ्रेंड्स बहुत पसंद आएगा। तो बस इसमें बहुत कुछ चीज नहीं जाएगा, बस ब्रोकली, चीज, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और थोड़ा सा मैं पीरी पीरी मसाला ऐड कर दूंगी। और हाँ, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड करना है। तो ये देखिए, चिली फ्लेक्स मैंने ऐड कर दिया है और पीरी पीरी मसाला अब मैं ऐड करूंगी। तकरीबन 2 टीस्पून मैंने ऐड किया था। मेरे घर में इसका फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद है। अगर आपके घर में कोई और फ्लेवर बच्चों को पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे पिज्जा फ्लेवर, पास्ता फ्लेवर, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ब्रोकली अभी सीजन में है और हमारे लिए हेल्दी भी बहुत है, तो फ्रेंड्स एक बार बनाना ज़रूर। एक्चुअली मैं संभवी को कॉलेज से मैसेज आ गया है, उसको वापस जाना पड़ेगा। तो इस सीजन में मैंने एक दिन भी ब्रोकली पराठा नहीं बनाया था और संभवी सरस्वती को ये पराठा बहुत पसंद है। तो बस बोली, मम्मा इतना चीज़ तो खिला दिए आप, लेकिन ब्रोकली पराठा नहीं खिलाया। तो मैंने सोचा चलो, जितने दिन है, मैंने तकरीबन 1 केजी मंगा लिया था, एक दिन में चीज के साथ बना के खिलाऊंगी। और एक दिन में नॉर्मल बनाती हूँ, हरा धनिया, प्याज, लहसुन, अदरक के साथ, तो एक दिन वो भी बना के खिला दूंगी। वो पराठा जो है ब्रोकली का, बच्चे बटर के साथ खाते हैं और ये ऐसे ही खा लेते हैं चाय के साथ। ये पराठा आसानी से बन जाता है, थोड़ा सा भी बेलने में प्रॉब्लम नहीं होता है और चीज है तो स्टफिंग को बाइंड करके रखता है। बिगनर्स भी आसानी से इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको तो अंदाजा लग गया होगा, आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मैं सुबह के नाश्ते से ही कर रही हूँ और ये ब्लॉग है संडे का। बहुत दिन से बच्चे घर पे थे, बच्चे से मतलब है संभवी। चुन्नू तो घर पे ही होती है, मेरे पास ही होती है, वो हॉस्टल में होती है बड़ी वाली, लेकिन तकरीबन 9 महीने से पास में थी तो अजीब सा लग रहा है जो अब वो चली जाएगी। जाना तो है लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। तो ये देखिए, एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया है और इधर मैं पराठे सेकने लगी हूँ। आज दिनेश जी को ऑफिस जाना है तो मैं थोड़ा सा जल्दी नाश्ता बनाने लगी हूँ। और फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे होंगे आज संडे है फिर दिनेश जी को ऑफिस क्यों जाना है। तो अभी जहाँ पे दिनेश जी की ड्यूटी लगी हुई है, संडे को भी कभी कभी जाना होता है। Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. Hello friends, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope आप सब ठीक ही होंगे। तो अभी बन रहा है नाश्ता, हम लोग नाश्ता करेंगे गर्मा गर्म ब्रोकली पराठा और चाय। हमारे घर में ब्रोकली पराठा सबको बहुत पसंद है, एक बार आप सभी ट्राई करके देखें। आज मैंने चीज के साथ बनाया है और बहुत जल्द जो फ्रेंड्स मेरे चीज पसंद नहीं करते हैं या जिनके लिए चीज हेल्दी नहीं है, तो बस 1-2 दिन के अंदर ही मैं विदाउट चीज भी बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन अभी सीजन में है, बनाना जरूर। तो जी ये देखिए, पराठे पे कितना मस्त मस्सा कलर आया है, बिल्कुल करारा करारा पराठा, इसी तरह से सारा सेक लेना है। तो ये देखिए, सारे पराठे मैंने सेक लिए हैं और चाय भी डन है, अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। और अभी सुबह के नाश्ते के बाद मैं और संभवी आ गए हैं थ्रेडिंग करवाने, क्योंकि 9 मंथ से संभवी भी और मैंने भी थ्रेडिंग नहीं करवाई थी। और ये हमारी सोसाइटी की फ्रेंड है तो बाहर कहीं जाना नहीं था, सोसाइटी हमारा सेफ है, तो बस इसी के पास आके हमने करवाया था। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना है और आईब्रोज भी बहुत गंदे लग रहे थे। संभवी को कॉलेज से लेटर आ गया है, जाना है, तो सोचा चलो करवा लेते हैं। पहले भी जब संभवी सरस्वती बहुत छोटी थी तो स्कूल में जब प्रोग्राम्स होता था डांस का, तो बबिता ही तैयार करती थी। कितने बजे भी हो, सुबह सुबह में फ़ोन कर देती थी, 5 बजे
पहुंच जाती थी सास्वती के घर या संभवी तो तैयार कर देती थी। अभी भी सास्वती का बैले का जब प्रोग्राम होता है तो बेबता के पास आके ही तैयार होती है। बहुत ही अच्छी फ्रेंड है हमारी। तो बस बच्चों को तो बबीता आंटी पे भरोसा है, इन्हीं के पास ही जाना है। कहीं भी होती है सामवी तो जब आती है यहाँ, यही आके बबीता आंटी से ही करवाती है ट्रेडिंग या वैक्सिंग हो गया कुछ भी। If you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that heart bitter. अभी हो रहे हैं 6:30 और हम लोग आ गए हैं मॉल। कल शाम से ही जब से कॉलेज से संभवी को मैसेज आया था, थोड़ी सी उदास है। तो दिनेश जी जब ऑफिस से आए तो बोले चलो मॉल चलते हैं, थोड़ा बहुत जो संभवी को चाहिए सामान वो ले लेगी और हम लोग बाहर ही डिनर कर लेंगे आज। और ये वेगास मॉल है द्वारका का, बिल्कुल हमारे घर के पास है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबको भी सैर करवाते हैं। Can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. और मॉल तो अभी तक बिल्कुल क्रिसमस के रंग में ही रंगा हुआ है। ये देखिए सेंटा, बच्चों ने यहाँ पर बहुत सारे पिक्स लिए थे, फिर कुछ छोटे मोटे चीज लेने थे सांभवी को हॉस्टल के लिए, कुछ बुक्स भी लेने थे, स्केच पेन लेने थे क्योंकि उसको ड्राइंग करना होता है। तो बस यही सब सामान हमने लिए थे। ये क्या है? तुम्हारा फ्रेंड? ऐसा कुछ भी नहीं है। सामवी, सामवी, ये चुनू का फ्रेंड, ये देखो चुनू का फ्रेंड। चुनू का फ्रेंड क्या है? कौन भैया है? जीरा भैया। ये सामवी का फ्रेंड, ये मेरा मोर लाइकली पापा का फ्रेंड, मोर लाइकली पापा का फ्रेंड। हाँ नहीं, सामवी का फ्रेंड जी, आपका फ्रेंड नहीं है, सामवी का फ्रेंड है। देखो सामवी जाओ, अपने फ्रेंड का फोटो खिंचाओ। रेड रेड चुनू को चाहिए कुछ तो देख लो, पेंसिल तुमको पेंसिल तो पड़ती है कालो पेंसिल की? नहीं इस साल का और कहीं पड़ेगी भी नहीं। तो और कुछ पड़ेगी क्या होमवर्क के लिए? कुछ खाली नहीं है, खाली ये देखो। हां ये ठीक है ना? हां कुछ चाहिए? हां ये ले लो। थैंक यू। कुछ चाहिए? पाउच का भी जरूरत ही नहीं, आपका स्कूल खुलेगा ही नहीं तो फिर क्या? कलर पेंसिल चाहिए कुछ? कलर पेंसिल चाहिए? जरूरत पड़ती है आपको? तो ले लो एक। और ये किसका फ्रेंड? लंबू सा जा चुनू जा। हेलो बोल गया। So cute ना? बहुत क्यूट है ना? हाँ अभी टच नहीं कर सकते ना? मजा आ गया, इतना सुंदर लग रहा है, क्यूट लग रहा है। Hold up, hold up, baby, I can't sit beside you while you're going on about yourself. चुनू आजा। So damn cute. Oh, so cute ना? आजा तेरी फोटो लेती हूँ एक। जा भी लेती हूँ। फिर तीनों पापा भी बच्चे बन गए हैं, कैसे खिंचवाने के लिए तैयार हैं। और सारे मास्क हटा हटा के खिंचवा रही है, ये देखिए। और सामवी शाम से उदास थी, चेहरे पे एकदम स्माइल आ गया है बड़ा वाला। जाएगी तभी तो फिर से वापस आएगी। हाँ ये तो है। अलग है।
ये दोनों पोज डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा पोज में फोटो खिंचानी है कोरोना को, मजा आ जाएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन की तरफ, वहीं पर हम लोग आज डिनर करेंगे क्योंकि सम्भवी सरस्वती को यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को बारबेक्यू खाना बहुत पसंद है। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है, खास करके प्रॉन्स खाना, और मुझे प्रॉन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नॉनवेज में मैं तो बस फिश और एग्स खाना पसंद करती हूँ, लेकिन सम्भवी सरस्वती को प्रॉन्स सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ आना इसीलिए उस लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ प्रॉन्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। वैसे तो आजकल कहीं भी खाना खाना बाहर जाना बहुत डर लगता है, लेकिन यहाँ आके अच्छा लगा था क्योंकि बिल्कुल सेफ था। बार बार सैनिटाइज कर रहे थे हर चीज़ को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, तो एक घबराहट सी हो रही थी वो चली गई। और फिर हम लोगों ने जम के एंजॉय किए थे, बहुत दिनों के बाद बच्चों ने बारबेक्यू जम के एंजॉय किए थे। और डेजर्ट भी यहाँ बहुत अच्छे अच्छे थे, स्पेशली ब्राउनी। तो ब्राउनी खा के सम्भवी का मूड बिल्कुल ही अच्छा हो गया। Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. और बस तकरीबन 8:30 हो रहे हैं। बाहर का वेदर देखिए, आज तो बहुत ठंड है, बिल्कुल चिल्ड वेदर है। और हम लोग वापस जा रहे हैं घर को। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं अपनी सोसाइटी में और थोड़ी देर नीचे वॉक करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग हो गई। तो हम लोग वॉक करते हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सब बखैर, टेक केयर, बाय। और दिनेश जरूर करना, और दिनेश जी फोन पे बात कर रहे हैं, ये देखिए, बाय कीजिए दिनेश जी। लाइक जरूर करना, लाइक जरूर करना। और कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके, कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना।